गोवर्धन के बूथ कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता में आभार के एवं अभिनंदन के कार्यक्रम में भी पहुंची। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने कार्यकर्ताओं की अच्छा कार्य करने के लिए भी समश्री से पत्र दिए। कार्यक्रम के अंत में सांसद के हेमा मालिनी ने अपना संबोधन राधे राधे के साथ शुरू करते हुए गिराज राज से भी जो कि मंच के साथ ही जोड़कर शुरू किया गया कार्यकर्ताओं के आभार में पटक जी भी किया गया। कार्यक्रम के हेमा को संबोधन से पहले ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हेमा मालिनी के हाथों में पसरी के पत्र लेकर हंगामा कर दिया है। दरअसल हेमा के संबोधन से पहले क्षेत्र विधायक ठाकुर करंदा सिंह के द्वारा पसरी के पत्र देने वाले कार्यकर्ताओं को भी संख्या को देखते हुए वह कुछ कार्यकर्ताओं को सांसद हेमा मालिनी जी के साथ आत्री पत्र के दिलाने के लिए वह कह चुके हैं, जिस पर भी अभी कार्यकर्ता भड़क गए हैं और हंगामा काटने लगे हैं। ड्यूटी करता हूँ। तो क्या हादसा हुआ है? यहाँ हादसा हुआ था लगभग 4-4:30 बजे की बात है। एकदम हम जैसे ड्यूटी कर रहे थे अपने टोल पे, एकदम आवाज़ आई बहुत तेज़ी से जी। हम और हमारे साथी आए थे यहाँ पे, तो आने के बाद देखा यहाँ तो एक डम्फर में बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस ठुकी सी खड़े डम्फर में पीछे से जी। और उसके बाद फिर हमने वो निकाले थे शीशा फोड़ के जी। निकालने के बाद फिर आधा घंटा 15-20 मिनट के करीब पुलिस आई थी। लगभग कितने लोग घायल रहे होंगे? 15-20 लोग घायल थे। टोटल बस में कितने लोग होंगे? टोटल बस में थे 35-40 आदमी थे। 15-20 घायल हैं? हाँ जी। घायलों को कहाँ भेज दिया गया है? कैलाश हॉस्पिटल जेवर। इसमें कोई कैजुअल्टी हुई है? किसी की मौत भी हुई है? नहीं नहीं नहीं, मौत जनपद मथुरा में थाना नौझील के अंतर्गत बाजना कट है, उसी के बगल में एक ट्रक की टक्कर में और जो बस की टक्कर हुई है, इसमें लगभग 18-20 लोग घायल हुए हैं। 6 की हालत गंभीर है, जिनको जेवर के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष को कुछ प्राइवेट अस्पताल में और कुछ यहाँ का सरकारी अस्पताल नौझील का है, वहाँ पर भर्ती कराया गया है। अब ये घटना किन कारणों से हुई है, कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और प्रथम दृष्टया यहाँ से सारे जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्री जो शेष बचे थे उनको बसों में बैठा दिया गया है, दूसरी जगह चले गए हैं और इस पर अभियोग पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। अरे बस कहाँ से कहाँ आ रही थी, कहाँ के लिए जा? ये आजमगढ़ से चली थी और आनंद विहार दिल्ली जा रही थी। के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन